बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय श्री सनकादि भगवान की जय आज भगवान के श्री सनकादि रूप के अवतार की संपूर्ण कथा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं भगवान के चौबीस अवतारों में श्री सनकादि जी को भगवान के रूप में अवतरित माना जाता है श्री सनकादि भगवान चार भाई सनक सन शब्द से सनक आदि हुए तो सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार इन चारों अवतारों की कथा मैं आज आपको विस्तारपूर्वक सुनाऊंगा आपको पता है कि इन्हीं सनकादी ने भगवान के द्वारपाल जय विजय को शापित किया था जिसके कारण तीन जन्म तक उनको मुक्ति के लिए इंतजार करना पड़ा था और भगवान विभिन्न रूपों में प्रकट होकर के रामावतार कृष्णावतार में उनका वध किया था तो आज श्री सनकादि भगवान की संपूर्ण कथा मैं आज सुना रहा हूँ आपको प्रस्तुत कथा श्री नाभादास जी कृत श्री भक्तमाल से मैं आपको सुना रहा हूँ यह कथा श्रवणामृत रसपान आप कर रहे हैं तो सुनिए श्री सनकादि भगवान की कथा देखिए जब सृष्टि के आरंभ की बात आती है तो सृष्टि के आरंभ में ही श्री ब्रह्मा जी ने लोकों को रचने की इच्छा से तप किया तप से ही सब कुछ होता है तप से ही श्री ब्रह्मा जी ने सृष्टि की भी रचना की तो जब श्री ब्रह्मा जी ने तप किया तो ब्रह्मा के इस अखंड तप से प्रसन्न होकर भगवान ने तप अर्थात सन नाम से युक्त होकर सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार इन चार रूपों में अपना अवतार ग्रहण किया भगवान स्वयं इन चार रूपों में अवतरित होकर के आए थे जी सनक सनंदन सनातन सनत कुमार के रूप में तो इस अवतार के द्वारा भगवान ने पहले कल्प में भूले हुए आत्मज्ञान को ऋषियों के प्रति प्रति यथावत उपदेश दिया जो पिछले कल्प में ऋषियों ने जिस ज्ञान को भुला दिया था विलुप्त हो गया था जो ज्ञान विस्मृत पड़ गया था उसको उस भूले हुए आत्मज्ञान को ऋषियों के प्रति यथावत ठीक उसी प्रकार से फिर से उपदेश दिया यही सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार इन्हीं चार रूपों में आदिराज पृथु को भी उपदेश किया था राजा पृथु को इन लोगों ने उपदेश किया था सृष्टि के आरंभ में उत्पन्न होने से बहुकालीन है जी शुरू से है आरंभ से हैं और आज भी है कल भी रहेंगे निरंतर वे सदा अपने मन से ब्रह्म स्वरूप में लीन रहते हैं और जीवन मुक्त हैं उनकी कभी भी मृत्यु नहीं होती है इनको उत्पन्न करके ब्रह्मा जी ने जब यह आज्ञा दी कि आप जाकर प्रजा सृष्टि की रचना करो तब इन्होंने प्रपंच विस्तार का अनौचित्य एवं वैराग्य पूर्वक भगवत भजन का औचित्य दिखाकर ब्रह्मा जी को निरुत्तर कर दिया था और स्वयं वन की राह पकड़े थे आज भी ये चारों ऋषि सनकादि ऋषि अखंड ब्रह्मचारी हैं और अपने तप से समस्त लोगों का सदा कल्याण करते रहते हैं पांच वर्ष की अवस्था इनकी सदा बनी रहती है ताकि संसार के किसी मोह माया में ये पड़े नहीं हमेशा भगवत भजन और भगवत कथा में सनलीन रहने वाले इन चारों सनक सनंदन सनातन और सनत कुमारों को बंदन अभिनंदन तो बोलिए श्री सनकादि अवतार की जय